जन्माष्टमी आने वाली है, इसीलिए आज हम लड्डू गोपाल के लिए भोग की थाली तैयार करेंगे। आप भी इस भोग की थाली को बहुत जल्दी, बहुत इजी तरीके से घर में ही अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स से बना सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आइए तैयार करते हैं इस भोग की थाली को। सबसे पहले हम पंजीरी बनाएंगे, क्योंकि हम लड्डू गोपाल के लिए भोग की थाली तैयार कर रहे हैं। थोड़ा मैंने ये सूजी लिया है, 1 टेबल स्पून के करीब होगा। सूजी को पंजीरी में ऐड करने से जो पंजीरी है उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसीलिए मैंने इसको ऐड किया है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। लड्डू गोपाल के लिए भोग की थाली तैयार कर रहे हैं तो पंजीरी और पंचामृत तो होना ही चाहिए भोग में। यहीं पर हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स ऐड करने से ये थोड़े से रोस्ट हो जाएंगे, जिससे इनका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। ड्राई फ्रूट्स को आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आप देख सकते हैं सूजी का कलर चेंज होने लगा है। यहाँ पर ये 1 कटोरी आटा लिया है मैंने। आटे को पहले से ही छान के रखा था, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आटे को अच्छे से सूजी के साथ में मिक्स करते हुए रोस्ट करना है। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, हाई फ्लेम पे रोस्ट नहीं करना है, नहीं तो ये आटा जल जाएगा। इसी तरीके से इसको चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं आटे का जो कलर है वो चेंज होने लगा है। मैंने इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर भी ऐड किया था, जिससे इसमें अच्छा सा फ्लेवर आएगा, स्किप हो गया है। आटे को तब तक रोस्ट करेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना होने लग जाए और इसमें से हल्की हल्की सी खुशबू ना आने लग जाए। आप देख सकते हैं आटे का कलर चेंज हो गया है और इसमें अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। अभी गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा, इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो देखेंगे। तब तक जो दूसरा आइटम तैयार करना है वो देख लेते हैं। कढ़ाई में थोड़ा सा देसी घी डालेंगे। भोग की थाली है तो देसी घी में ही तैयार करेंगे। थोड़ी सी ये मैंने सिमैयाँ ली हैं, इनको भी रोस्ट करना है। आप चाहें तो इनकी जगह पे खीर बना सकते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसी तरीके से इनको चलाते रहेंगे। देखिए जो सिमैयाँ हैं उनका कलर चेंज होने लग गया है। इसी तरीके से आपको रोस्ट करना है। ये देखिए अच्छे से रोस्ट हो चुकी हैं सिमैयाँ। यहाँ पर हम दूध ऐड करेंगे। अभी 2 ग्लास दूध ऐड किया है। दूध को हम बाद में भी बढ़ा सकते हैं, जैसी कंसिस्टेंसी रखना चाहें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सिमैयों को दूध के साथ में। गैस का फ्लेम अभी हाई कर लेंगे और इसी तरीके से बीच बीच में इसको चेक करते रहेंगे। देखिए इसी तरीके से चलाते रहेंगे। दूध में बॉयल आने लगा है। अभी जो गैस का फ्लेम है वो मीडियम कर लेंगे और बीच बीच में इस तरीके से चेक करते रहेंगे। कंसिस्टेंसी को आप अपने अकॉर्डिंग रखिए, बीच बीच में चलाते जरूर रहेंगे इनको। आप देख सकते हैं जो सिमैयाँ हैं वो आधी कुक हो चुकी हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। थोड़े से ये ड्राई फ्रूट्स, इनको भी ऐड करके मिक्स कर लेंगे और इसी तरीके से इनको बीच बीच में चेक करते हुए चलाते रहेंगे। सिमैयों की कंसिस्टेंसी भी एकदम ठीक है। यहाँ पर मैं ये 1 कटोरी चीनी ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। चीनी को ऐड करने के बाद में इनको 2 मिनट तक और पकाना है, जिससे जो टेस्ट है इनका और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। देखिए इसी तरीके से चलाते रहेंगे। कंसिस्टेंसी एकदम ठीक है। अभी ये ठंडे होने के बाद में थोड़ी और थिक होंगी। इनको इसी तरीके से चलाते रहेंगे। गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इनको ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। तब तक हमने जो पंजीरी के लिए आटा रोस्ट करके रखा था उसको लेंगे। पंजीरी में ऐड करने के लिए जो सामान है उसको लिया है मैंने। ये पिसी हुई चीनी है, इसको ऐड करेंगे। ये आधी कटोरी है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा मीठा रखना है तो ज़्यादा ऐड कीजिए, नहीं तो थोड़ा कम ऐड कीजिए। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और हम ऐड करेंगे इसमें। ये ग्रेटेड कोकोनट है, इसको भी ऐड कर देंगे। ये तुलसी का पत्ता लिया था, इसको मैंने इस तरीके से तोड़ लिया है, इसको भी ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। ये देखिए सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। पंजीरी बनके एकदम तैयार है। इसको ढक के साइड में रख देंगे। तब तक
पंचामृत तैयार कर लेते हैं। एक बोल लिया है मैंने और पंचामृत बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो लिए हैं। ये कच्चा दूध है, दूध कच्चा होना चाहिए। एक कटोरी दूध लिया है मैंने, इसको डाल लेंगे। इसमें ये 2 चम्मच दही ऐड करेंगे। थोड़ा सा ये शहद है, इसको ऐड करना है। ये देसी घी है, इसको भी ऐड करेंगे। ये गंगा जल है, इसको भी ऐड करना है। ये चीनी, जितना मीठा आप रखना चाहें उसी हिसाब से चीनी को ऐड कीजिए। ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, ड्राई फ्रूट्स आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए। थोड़ा सा ये ग्रेटेड कोकोनट है, इसको भी ऐड कर देंगे। ये तुलसी का पत्ता है, इसको मैंने क्रश कर लिया था, इसको भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पंचामृत का मतलब ही है पंच अमृत, दूध दही शहद घी गंगा जल, इन सब से मिल के बनता है पंचामृत। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं पंचामृत बन के एकदम तैयार है। इसको उठा के साइड में रख देते हैं और जो भोग की थाली है उसको लगा लेते हैं। इसके लिए कोई भी एक थाली लीजिए, उसमें ये मैंने जो पंचामृत बनाया था वो पंचामृत है, पंजीरी, ये सिमैया, ये हलवा बनाया है सूजी का। कोई भी एक मिठाई ले लीजिए, फ्रूट में आप जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। तुलसी का पत्ता सभी चीज़ों के ऊपर रखेंगे। आपकी जन्माष्टमी स्पेशल लड्डू गोपाल की भोग की थाली तैयार है, आप भी इसको बहुत इजीली बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।